Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know, we are carrying on with the second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. While discussing this chapter, some of the facts, some of the points that we have been discussing, usme yesterday I had done a proper revision work of whatever points we have done till now. Now what we are talking about is, we are talking about the October Revolution. Wo bhi ho gaya hai. Actually, we have completed that October Revolution. What we are talking right now is the changes that had happened in Russia after the October Revolution. The revolution had happened on such a large scale. Itne bade scale pe revolution hone ke baad, the changes that were happening, वो ही changes के बारे में हम बातें कर रहे हैं. New uniform was designed, partition of the houses was done, big houses were there. I was telling you in the last video, in these big houses, because there were big landlords, the people who were working with the government, the people who were involved with the अपर सोसाइटी पीपल, अपर का आई मीन द हायर ऑफिशियल्स के साथ जो लोग इन्वॉल्व थे, दीज पीपल टुगेदर वेयर कैरिंग ऑन द कंप्लीट एक्टिविटी. सारी चीजें इसी तरह से चल रही थी. इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड, बोल्शेविक्स ने जैसा कहा था, आई मीन बोल्शेविक्स वेयर इन अ हरी टू ब्रिंग चेंजेस, दे वेर ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, लेकिन the people in Russia did not welcome all of these changes. इन सारे changes को Russians जो है वो accept नहीं कर रहे थे. Bolsheviks ने यहां तक कि they have changed the uniform of the army. They have tried to bring new innovations. ठीक है, इसके पहले कभी भी clothing competition नहीं रखा गया था. बट नाउ क्लोदिंग कॉम्पिटिशन में से ब्यूदिनोव का हैट ये लेके आए. दे टुक आउट द ब्यूदिनोव का हैट एंड द सोवियत हैट. ब्यूदिनोव का वॉज चोजन. बोल्शेविक पार्टी का अब नाम बदल के क्या हो गया, इट वॉज कॉल्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, द बोल्शेविक्स. फॉर द फर्स्ट टाइम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड एंड नवम्बर 1917 में. इन नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट किया, लेकिन अब इनको सपोर्ट नहीं मिला. जस्ट सी हाउ द पीपल्स मैंडेट चेंजेस. लोगों का सोचने का और बिहेव करने का तरीका कितनी तेजी से बदल जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए. एंड जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक measures. उन्होंने क्या किया, असेंबली जो द पीपल हु वेर इलेक्टेड, उन्होंने कहा कि बोल्शेविक्स वॉट एवर दे आर डूइंग इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि भाई सरकार तो किसी और की बन गई थी. काम बोल्शेविक्स कर रहे थे, अपने हिसाब से कर रहे थे, विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स. लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इन चीजों के बारे में सोचे बिना ये निर्बाध रूप से अपना काम करते चले जा रहे थे. दे वेर कैरिंग ऑन विद देयर वर्क, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं आया. देर वॉज नो रिजल्ट आउट ऑफ दैट. एंड जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली. लेनिन क्यों बर्दाश्त करेंगे. सो इन जनवरी 1918 असेंबली जो मतलब जो इलेक्शंस के बाद जो लोग पावर में आए थे, वो भी तो अपना पावर दिखाएंगे ना. असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड अब क्या हो गया, लेनिन को कहां बर्दाश्त की कोई उनको अपोज करे. लेनिन वॉज नेवर इन अ मूड दैट एनीबडी कैन अपोज हिम. सो लेनिन डिसमिस द असेंबली. उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर योर असेंबली. सो ही डिसमिस्ड द असेंबली. अब आप यहां पे देखो, थोड़ी सी जो चीज नजर आ रही है
वो है हल्की फुल्की मनमानी, लिटिल बिट ऑफ मेशर्स, लिटिल बिट ऑफ फोर्सफुल इनोवेशन, फोर्सफुल फोर्सफुली एक्सेप्टिंग द फोर्सिंग द असेंबली टू एक्सेप्ट देयर आइडियाज. एंड ही थॉट दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली. उन्होंने कहा अरे वॉट इज योर असेंबली, हु आर यू टू रिजेक्ट अस. मतलब इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ रही थी. ही वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट दैट somebody has rejected their demands, somebody had rejected their efforts, jo bhi unhone kaha. So he thought all Russian Congress, he thought ki inhone jo Congress banaya hai, he thought that all Russian Congress was more effective then then an assembly. कि असेंबली में वो आए हैं, द असेंबली पीपल हैव बीन इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, और इलेक्शंस के बाद ये पावर में आने के बाद हाउ आर दे अपोजिंग द बोल्शेविक्स. बोल्शेविक को अपोज करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है. एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग इन द सिंपल लैंग्वेज. अब क्या हुआ मार्च 1918 में, अब लुक एट द इवेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन रशिया. 1918 में असेंबली डिस्पाइट ऑपोजिशन ऑफ देयर पॉलिटिकल अलाइज बोल्शेविक्स, पॉलिटिकली पीपल सेड की रशिया को जो है जर्मनी से देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद जर्मनी. सो Despite opposition of their political allies, Bolsheviks made peace with Germany. Assembly that was elected, इनकी बात अब लेनिन मान नहीं रहे थे. लेनिन was not ready to accept, and जबकि assembly was elected by the common people, लोगों ने लेनिन को reject कर दिया था, because they were thinking that Lenin and Lenin's government is heading towards a dictatorship. इसलिए द पीपल हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड इट. सो ऑल रशियन कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश, ऑल रशियन कांग्रेस को ज्यादा, एंड इन्होंने क्या किया जर्मनी के साथ दोस्ती कर ली. दो पीपल वेर अपोजिंग इट डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ द पोलिटिकल अलाइज बोल्शेविक्स मेड पीस विथ जर्मनी. डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ पोलिटिकल अलाइज जो थे, मतलब पोलिटिकली इनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, Despite opposition of political allies, Germany made peace agreement Russia made peace agreement with Germany. Russia ने Germany के साथ एक agreement कर लिया. Russia made peace agreement with Germany. कहां पे हुआ था ये? एट ब्रेस्ट लिवोस्क. ये दीज आर द नेम्स द स्टेट्स दैट आर देयर. ब्रेस्ट आई एम सॉरी लिटोस्क. यहां से इन्होंने, यहां पे वी फाइंड अ ट्विस्ट एंड टर्न इन द कंप्लीट स्टोरी. And afterwards, in the years that was that followed, Bolsheviks become only party. अब क्या हुआ? Russia became a one party system. So much of opposition was there. People were not ready to accept the Bolsheviks terms and conditions. लेकिन अब क्या हुआ? Bolsheviks were the only party contesting elections. Participating in elections in all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. एक ही पार्टी अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है. सो रशिया फ्रॉम अ कम्युनिस्ट नेशन, कम्युनिस्ट तो वो थे बिकॉज लेनिन बाय माइंड वॉज कम्युनिस्ट. पूरा पावर उनको वर्कर्स के लिए चाहिए था. बट नाउ वॉट हैपेंड, रशिया
बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस जो भी अब इलेक्शंस हो रहे थे ना ऑफ ऑल रशियन ठीक है ऑल मतलब क्या है कि अब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में इलेक्शंस वेयर हैपनिंग एंड अब एक ही पार्टी बच गई थी दैट इज द बोल्शेविक्स. सारी पार्टीज को इन्होंने हटा दिया. लेनिन वाज अ कंप्लीट बिकमिंग हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ डिक्टेटर ओके एंड ऑल रशियन कांग्रेस ओके नाउ विच बिकेम ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस क्योंकि अब क्या है कि इनको अपने अब क्या था कि लेनिन वॉज नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट एनी बडीज टर्म्स एंड कंडीशंस. ये चाहते थे पूरी रशिया में इनका राज रहे और इन्हीं की बातों को लोग फॉलो करें. पीपल शुड फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बोल्शेविक्स ओनली. बाकी की चीजों को बाकी की पार्टीज को इन्होंने कंप्लीटली एंड टोटली रिजेक्ट कर दिया था. तो वी सी दैट रशिया मूविंग हेडिंग टुवर्ड्स अ वन पार्टी सिस्टम एंड नाउ एज अ रिजल्ट रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट. अरे भाई जो असेंबली इलेक्ट हुई थी उसकी बातें तो ये मान ही नहीं रहे थे. ये तो अपने तरीके से अपनी सरकार चला रहे थे. तो ऑब्वियसली अब क्या हो गया देयर वॉज नो अदर पार्टी विच कैन अपोज द बोल्शेविक्स. तो रशिया बिकेम अ वन पार्टी सिस्टम. What it children? Now students, when you are seeing that Russia has become a one-party system, आखिर एक ही पार्टी लेनिन ने रखी and Lenin made Russia into one party because Lenin was very sure that he did not want anybody to oppose him. Any party and any person now who opposed him. Because gradually and slowly, Russia was becoming a country which was ruled by a dictator. Yes, children, that's the fact. And अब क्या हुआ कि trade unions were kept up. उन्होंने क्या किया Russia पे अपनी धाक जमाने के लिए. He started keeping the trade unions under his कंट्रोल. अपने कब्जे में ऑल दीज पीपल ऑल दीज सिस्टम विच वॉज हु वेयर ट्राइंग टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द बोल्शेविक्स या लेनिन उसके लिए उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया. पीपल शुड बी बिजी विद देयर वर्क रादर देन रेजिंग देयर वॉइस एंड अपोजिंग लेनिन. ही डिड नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ एन अपोजिशन. He wanted a blind support from everyone. Everyone and anybody cannot be always supportive. So Lenin was a bit uncomfortable. Got it? अब क्या हुआ? Secret police. इन्होंने क्या किया कि इनको पता चल रहा था people are not very happy with him and they are trying to find out some ways and means to oppose the Bolsheviks. So he started finding out ways and means to keep the people quiet. People should be quiet. People should not raise their voice. Secret police called Cheka, called the Cheka first and later DGPU and NTPD. Secret police called Cheka. Okay. And, CGPU and NKVD was established.
ही नीडेड टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द पीपल हैपनिंग इन रशिया। रशिया में सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, इस चीज का चेक रखना चाहते थे लेनिन। तो सीक्रेट पुलिस उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया चेक का, जिसका नाम था एंड एवरीबडी एंड एनीबडी हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स वेयर पनिश्ड। जस्ट सी हाउ द चेंजेस आर हैपनिंग। ठीक है, दीज वेयर नॉट स्मॉल चेंजेस, दीज वेयर बिग चेंजेस। Everybody who criticized Bolsheviks were punished. किसी को हक नहीं था आवाज उठाने का। Got it? And young writers, अब क्या हुआ, the writers were coming up, artists were rallying to the party because it stood for socialism and change. Many writers who were there, young writers, after Bolsheviks को काफी लोगों का support भी मिल रहा था, okay? Many young writers, writers and artists stood for support of Bolsheviks. Got it? Bolsheviks के rights के लिए इतने सारे लोग आ रहे थे and लेकिन majority अब क्या हो रही थी, they were opposing Lenin and his ideas. Now what happened? October 1917 के बाद अब things were changing, because things were changing on such a large scale. Experiments were done for art and architecture. After October 1917, experiments were done. ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाना है, done in art and आर्किटेक्चर। When these systems are changing, when these things are changing, इसके वजह से there was an overhauling changes in the Russian states and many become illusioned because of the censorship the party encouraged. बहुत सारे magazines, many magazines and many other organizations were banned. The party encouraged censorship. It has to be censored. It has to be stopped. Got it? When censorship is there, when it is being stopped, so we can understand how the party is encouraging all these systems. Got it? And party is encouraging the censorship and it is seeing to it that the work is being carried on according to the wish of the Bolsheviks. ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरीके से चलाना है. That was the idea of Lenin and his government, Bolsheviks. People were very angry. People were not at all satisfied. As a result, Russia was heading towards a system and heading towards an era of civil war. Got it? The civil war. Changes happened in October, लेकिन everybody and anybody did not welcome these changes. जो लोग अपोज कर रहे थे उन्होंने अंदर ही अंदर बोल्शेविक्स के खिलाफ हथियार उठा लिया, बोल्शेविक्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया।
एंड इट वॉज अ टफ टाइम फॉर देम. अब उनको जो है प्रॉब्लम होने लग गई द बोल्शेविक्स हु वेयर कैरिंग ऑन देयर सिस्टम इन अ वेरी आई मीन स्मूथ मैनर. नाउ दे वेयर ट्रबल्ड. नाउ दे वेयर इनटू सिस्टम जहां पे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कहां पे क्या और कैसे करना है. अब देखिए सिविल वॉर का सिचुएशन शुरू हुआ. बोल्शेविक इन्होंने क्या दिया था. बोल्शेविक्स अनाउंस्ड उनकी सरकार बनने के बाद वंस लेनिन वाज इन पावर ही अनाउंस्ड द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन. जितने लोगों का द पीपल हु वेयर द ओनर्स ऑफ द लैंड हु वेयर वंस अपॉन ए टाइम द मास्टर्स आई वोंट से दे बिकेम द सर्वेंट्स बट देन बोल्शेविक्स वेयर गिविंग देम अ टफ टाइम. काफी अच्छे से स्ट्रगलिंग का टाइम चल रहा था. द रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप. आर्मी जो है ग्रेजुअली एंड स्लोली इट वॉज ब्रेकिंग अप. ग्रेजुअली एंड स्लोली द आर्मी वॉज अनेबल टू कंट्रोल द होल सिचुएशंस. एज अ रिजल्ट सोल्जर्स कौन थे. हु वेर द सोल्जर्स. वंस अपॉन ए टाइम दे वेर ऑल्सो द पीसेंट्स. एक बारी वो किसान ही थे. तो रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप. सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स अब दे वांटेड टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड. उन्होंने अब क्या किया ना आर्मी छोड़ दिया. द सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स पैदा होते ही सोल्जर थोड़ी बन गए होंगे. कभी वो किसान थे जिनको ट्रेनिंग दे के सोल्जर बना दिया गया. सो सोल्जर्स क्या हो रहा था. हु वेर मोस्टली पीजेंट्स ज्यादातर ये किसान कैटेगरी के थे. विश्ड टू गो होम. विश्ड टू गो होम फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन. उन्होंने सोचा कि जो लैंड अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है शायद उनको भी कुछ खेत मिल जाएंगे और वो भी अपनी खेती करके आराम से जिंदगी बिताएंगे. आर्मी वाली लाइफ एवरीबॉडी वाज नॉट लाइकिंग. पीपल वांटेड टू गो बैक टू देयर ओन होम टाउन्स. ओके सो दे विश टू गो होम फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड. डेजर्टेड मीन्स अपने आप को अलग कर लिया आर्मी से. दे सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द आर्मी. And then there was the non-Bolshevik socialist liberals. There were, इसमें हर एक ग्रुप के लोग थे. There were the supporters from each group. Supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Non-Bolshevik socialist liberals there were. जो अब Bolsheviks के खिलाफ भी एक आर्मी तैयार हो गई थी ना. Non-Bolshevik liberals, radicals, ठीक है जो बोल्शेविक्स को नहीं सपोर्ट कर रहे थे. एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी जो राजे महाराजे की यू नो द कंजर्वेटिव्स. रिमेंबर द कंजर्वेटिव्स. तो द सपोर्टर्स ऑफ द किंग कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. उन्होंने कहा कि बहुत गलत तरीके से जार को हटाया गया. कंडेम्ड द बोल्शेविक की जबरदस्ती पावर में आ गए हैं. बोल्शेविक अपराइजिंग वॉज नॉट अप्रिशिएटेड. काफी सारे लोगों ने अब बोल्शेविक्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था. टफ टाइम फॉर द बोल्शेविक्स. अब इनका समय शुरू हुआ. बड़े आराम से सारा पावर अपने हाथ में ले लिया था और अपने आप को महाराजा धीराजा समझ रहे थे. बट नाउ दे अंडरस्टूड कि लोगों को उनके प्लान समझ में आ गए थे. पीपल अंडरस्टूड अबाउट देयर प्लान्स. ओके एज अ रिजल्ट द लीडर्स दे मूव्ड टू साउथ रशिया. द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया. ठीक है ज्यादा से ज्यादा लीडर्स जो है ये साउथ रशिया जाने लग गए. एंड दे ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स.
आप बोल्शेविक्स ने एक समय में आर्मी तैयार की थी टू फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक्स। ये जो थी ना, ये जो आर्मी थी, आर्मी, इमेजिन अ काइंड ऑफ अ स्मॉल आर्मी वॉज देयर, ट्रूप्स वेयर देयर टू फाइट द बोल्शेविक्स एंड दे वेयर कॉल्ड एज द रेड्स। इनको क्या कहते थे? इनको रेड्स कहा जाता था। गॉट इट? व्हेन दीज पीपल द रेड्स द बोल्शेविक्स, क्या हुआ कि ट्रूप्स हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू फाइट अगेंस्ट द बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स के खिलाफ जो लोग तैयार हो गए थे, दे वेयर द रेड्स 1918-19 में। क्योंकि व्हाट इज अ सिविल वॉर? सिविल वॉर इज अ वॉर विद इन द कंट्री। जब देश के अंदर ही लोग आपस में पूरी तरह से झगड़ने लगते हैं, देन इट टेक्स द शेप ऑफ अ सिविल वॉर। अब लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ट्रूप्स वेयर ऑर्गेनाइज टू फाइट अगेंस्ट द बोल्शेविक्स एंड दिस वॉज कॉल्ड एज द रेड। इसमें क्या हुआ कि देर वेर थ्री ग्रुप्स वेर देयर। आपस में जो लोग लड़ रहे थे उसमें देर वेर थ्री ग्रुप्स। एक तो वो हो गए द पीपल हु वेयर अपोजिंग द बोल्शेविक्स। ठीक है, काफी लोगों को, मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द बोल्शेविक्स। दे डिड नॉट अप्रूव द वे ऑफ द बोल्शेविक्स लेनिन वॉज वर्किंग। जो उनका काम था वो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। सो नाउ पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस इज द टाइम दैट टेंशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। काफी तेजी से टेंशन बढ़ता चला जा रहा था। एंड इसमें 1918-19 में देयर वेयर द ग्रीन्स हु वेयर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इन 1918-1919 देयर वेयर ग्रीन्स। ग्रीन्स कौन थे? आप क्या हो गया, अलग अलग कलर के ये कपड़े पहनते थे। दे यूज टू वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ टू आइडेंटिफाई देमसेल्स, टू बी आइडेंटिकल, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप। जो दूसरा ग्रुप है उससे अपने आप को अलग दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रहे थे। दे वेयर द ग्रीन्स हु वेयर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। Socialist revolutionaries were there who were the Greens. Okay, अब क्या हुआ, इसी में एक और ग्रुप आ गया, they were the whites. Who were the whites? अब ये whites कौन थे? They were the pro-Tsarist. Pro-Tsarist. The people whose pro-Tsarist means ऐसे भी लोग थे जो जार को सपोर्ट करते थे। दे वर फीलिंग सो सैड दैट द जार हैज बीन रिमूव्ड सो ब्रूटली एंड द जार हैज बीन मिसट्रीटेड। सो दिस वॉज नॉट एट ऑल लाइक्ड बाय द पीपल एंड द वाइट्स वेयर द ग्रीन्स द वाइट्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जिस सी घर की लड़ाई होती है तो बाहर वाले लोगों को कितना इंटरेस्ट आ जाता है। Check how much the people outside were interested. Okay, they said, हाँ हाँ लड़ो लड़ो, just fight fight, that's very nice. तो इसमें क्या हुआ, there were the French, the American, the British, the Japanese troops. They were supported by the French, American, जापानीज पीपल वेयर वेरी हैप्पी कि इस तरह का एक द ब्रिटिशर्स ऑल दे वेर वेरी हैप्पी दैट सच अ टेंशन हैज हैपेंड कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। वन ग्रुप इज अपोजिंग द अदर ग्रुप, द अदर ग्रुप इज नॉट ट्राइंग दैट कि अदर द ग्रुप मस्ट नॉट कम टू पावर। ये जो सारी लड़ाइयां चल रही थी, द बाहर वाले जो है वो मजा ले रहे थे। And they were worried at the growth of socialism in Russia. These people, these countries
वेयर वर इट, इनके कंट्री में भी क्या था ना, बहुत लोगों को दबा के रखा जाता था एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. जिस तरह से सोशलिज्म बढ़ रहा था, इस चीज के खिलाफ काफी सारे लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की. काफी सारे लोग जो है कह रहे थे कि दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, द ट्रूप्स एंड ऑल दीज एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर. पूरा कंट्री के अंदर देयर वाज अ कंप्लीट टर्मोइल एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन. ठीक है, द बोल्शेविक्स फॉट विद दीज ट्रूप्स, इनके साथ बोल्शेविक्स ने लड़ाई शुरू की एंड दे वर वेरी हैप्पी कि इनको जो है द आउटसाइड पीपल हैप्पी, ये मतलब वरिड ये थे कि सोशलिज्म द सोशलिस्ट ग्रुप्स आर इंक्रीजिंग देयर पावर इन रशिया. इसके लिए उनको लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो, द पीपल इन देयर कंट्री शुड ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म एंड दे ऑल्सो वॉन्ट एंड दे ऑल्सो से कि नहीं नहीं सोशलिस्ट गवर्नमेंट ही होना चाहिए, इट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, देन इट वुड बी अ क्रिटिकल सिचुएशन. तो इस चीज से ये डर रहे थे. बोल्शेविक्स फॉट विद दीज ट्रूप्स एंड दे फॉट विद दीज ट्रूप्स एंड सिविल वॉर बिगैन. अब यहां से सिविल वॉर का सिलसिला शुरू होता है. देयर वॉज लूटिंग, बैंडिट्री, फेमाइन वॉज कॉमन. एक जैसा लूट, खसोट, बैंडिट्री, फेमाइन, सूखा भी उसी में सूखा भी पड़ गया, वॉज कॉमन. जस्ट सी व्हाट डिड द बोल्शेविक्स इमेजिन फॉर रशिया और हो क्या रहा था, सोचा क्या था और हो क्या रहा था, इसके आगे क्या हुआ, दैट कम लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.